कालापन है, चेहरे पर कालेपन की परत छोड़ी हुई है और चेहरे पर दाग धब्बे हैं, सनटैन की प्रॉब्लम हो गई है, हम कैसे इसको ठीक करें, घर पर हमें पार्लर जाने का टाइम नहीं है, ऐसे कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के कमेंट का जो है सोल्यूशन लेकर आ गई हूँ, बहुत अच्छा फेशियल लेकर आई हूँ, डिटॉक्स वाला आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलने वाला है। जी हाँ, आपको लगेगा नहीं कि आपने जो है अपने फेस को घर पर निखारा है, बिल्कुल डिटॉक्स जैसा फेशियल आपने घर पर कर लिया है, रिजल्ट आपने पाया है बिल्कुल। तो देखिए आज का जो फेशियल है बहुत 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 ही अच्छा होने वाला है और इसमें जो रेमेडी हमने ऐड की है सभी हमारी स्किन को एकदम से गोरा बेदाग बनाने वाला है, चेहरे के जो दाग धब्बे हैं उसको रिमूव कर हमारे फेस को बहुत अच्छे से ग्लोइंग बनाएगा, हमारे फेस का जो तेज है वो बढ़ाएगा, हमारे फेस पर जो ग्लोइंग स्किन है वो बाहर लेकर आएगा। जी हाँ, देखिए हमारे फेस पर जो है हमारा जो ग्लो है वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है और हमें जो है कभी हम जो है ग्लोइंग क्रीम लगा रहे हैं, कभी हम फेस वॉश कर रहे हैं, कभी हम जो है महंगे महंगे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन हमारा फेस जो है ग्लो ही नहीं कर रहा है। जब तक हम क्रीम को लगाते हैं तब तक हमारा फेस ग्लो करता है, लेकिन नेचुरल जो तरीका है, नेचुरली जो ग्लो आता है वो नहीं आ रहा है। तो देखिए नेचुरल ग्लो, बिल्कुल नेचुरल ग्लो नेचुरल ही चीज़ों से आता है। जी हाँ, आपको नेचुरल तरीके से फेशियल करना है, नेचुरल चीज़ों से। तो आज मैं नेचुरल तरीके से ही आपको फेशियल करना बताऊँगी, जो कि आप घर पर करोगे, बिल्कुल फ्री में करोगे और मात्र जो है 20 से 25 मिनट में आप इस फेशियल को कंप्लीट कर लोगे। चलिए मैं बताती हूँ आपको इस फेशियल को कैसे करना है, आप भी मेरे फेस को देखकर हैरान हो रहे होंगे। जी हाँ, मैंने भी इस फेशियल को किया है, मात्र मैं जो है एक हफ्ता इस फेशियल को ट्राई किया है, रिजल्ट बहुत अमेजिंग मिला है गाइस। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने इसको ट्राई किया है, उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, उन्होंने मुझे जो है पर्सनली कॉमेंट करके जो है अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है और मेरी फ्रेंड है, मेरी कजन है, उन्होंने भी इसको ट्राई किया है, अमेजिंग सुपर डुपर रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं गाइस। आप इसको ज़रूर से ट्राई करें, अभी तक आपने बहुत रेमेडी यूज कर ली है, बहुत तरीके के जो है फेशियल यूज कर लिए हैं, तो मैं ये बोलती हूँ कि आपको इस फेशियल को ज़रूर से ट्राई करना ही करना होगा, ठीक है। आप अपने चेहरे को बेदाग खूबसूरत यंग बनाना चाहते हैं तो आप इस फेशियल को ज़रूर से ट्राई करना। चलिए मैं बताती हूँ जल्दी से आपको इस फेशियल के लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं और कैसे आपको इस फेशियल को यूज करना है। चलिए मेरे तरीके से आप इस फेशियल को बनाएंगे और मेरे तरीके से ही आपको इस फेशियल को यूज करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जी हाँ, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है ताकि फ्यूचर में आप वीडियो को फ्री में देख सके, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक खाली आपको बाउल लेना है जिसमें आप रेमेडी को तैयार करेंगे, साफ सा आपको एक बाउल ले लेना है और सबसे पहले आपको एक से डेढ़ चम्मच लेना है गेहूं का आटा, जिसके हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। ये गेहूं का आटा हमारे फेस को अच्छे से निखार सकता है, हम इसको सही ढंग से यूज करते हैं तो फेस के लिए, ठीक है। देखिए मैं कोई ऐसी वाली रेमेडी, ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं लाती हैं जो कि मिलने में दिक्कत हो, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, तो बहुत ईजी सी रेमेडी मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, इसमें एक चौथाई चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है और एक आपको टमाटर लेना है, उसका पल्प निकाल कर आपको इसमें ऐड करना है। जी हाँ, जैसे कि हम नींबू को ऐड करते हैं, आपको सूट करता है, आपके फेस पर झाइयाँ बहुत ज़्यादा है तो आप नींबू भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टमाटर भी यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, एक चौथाई चम्मच आपको लेनी है चीनी, जी हाँ, और लास्ट में आपको लेना है एलोवेरा जेल, आप चाहे तो पौधे वाला ले सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट वाला ले सकते हैं, दोनों ही जेल यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एलोवेरा की जगह जो है आप पपाया जेल आता है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। लास्ट में आपको लेना है नारियल का तेल। देखिए नारियल का तेल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दाग धब्बे पर अच्छे से वर्क करता है और फेस पर ग्लो लेकर आता है, स्किन को टाइट बनाता है। और लास्ट में हमें जो लेना है वो है कच्चा दूध, यहाँ पर चिल्ड दूध आपको लेना है। जी हाँ, बिल्कुल फ्रिज वाला दूध आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है, ठंडा दूध आप यहाँ पर लेंगे। दूध को आपको जो है रेमेडी के अकॉर्डिंग लेना है, जितनी कि आपकी परफेक्ट रेमेडी बन जाए उतना दूध आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अच्छे से आपको मिक्स करना है, देन कुछ सेकंड के लिए आप इसको रख दें, कुछ सेकंड के लिए, जैसे कि अच्छे से 7 सेकंड के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि थोड़ी सी जो हमने इसमें चीनी ऐड की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए।
ठीक है, तो ये रेमेडी आपकी परफेक्ट है। अब मैं लगाने का तरीका बताती हूं। पहले आपको क्या करना है, अपने फेस को धो लेना है। जैसे कि हम कुछ भी रेमेडी फेशियल कर रहे हैं तो अपने फेस को धोना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने फेस को क्लीन करके रखा हुआ है, सिर्फ लिपस्टिक मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है रेमेडी। देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं सभी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से गोरा बनाएगी, स्किन को हेल्दी रखेगी, फेस के जो दाग धब्बे हैं वो अच्छे से क्लीन कर हमारे फेस को बहुत अच्छे से यंग खूबसूरत बनाने वाली है। देखिए इसमें हमने जो जो चीज़ें ऐड की हैं सभी हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको जो है इसको लगा लेना है अच्छे से इस तरीके से, और इसकी आपको मसाज भी करनी है। जी हाँ, थोड़ा अलग तरीके से आपको इसको यूज करना है इस तरीके से। पहले तो आप अच्छे से लगाएं, देन उसके बाद आपको मसाज करनी है। मसाज कितनी करनी है वो मैं आगे आपको बताती हूँ, तो जल्दी से पहले मैं लगा लेती हूँ। तो देखिए ये जो रेमेडी है ये स्क्रब का काम करेगी और फेशियल का काम करेगी, पैक का काम करने वाली। जी हाँ, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस तरीके से आपको करनी है इसकी मसाज कम से कम 8 से 10 मिनट। तो चलिए पहले हम 8 से 10 मिनट इसकी मसाज कर लेते हैं। तो देखिए मसाज हमारी कंप्लीट हो गई, मैंने 8 से 10 मिनट इसकी करी है मसाज, और फेस पर आप ग्लो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से चमक ग्लो दिख रहा होगा। अभी इंतज़ार करना है, अपने फेस को धोकर प्रॉपर रिजल्ट आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल लाइव आपको रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। अभी आपको क्या करना है, आपको करना है दूसरा स्टेप जो कि हम सेम रेमेडी से करने वाले हैं। आपको जो है अच्छे से मोटी लेयर पर इसको अपने फेस पर लगा लेना है, इस तरीके से अच्छे से लगाना है इस तरीके से। ठीक है, और बची हुई रेमेडी आप अपने हाथों पर, पैरों पर, गर्दन पर लगा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अप्लाई कर लिया है। अब इसको 8 से 10 मिनट आप अपने फेस पर इसको ऐसे ही रखने वाले हैं। 8 से 10 मिनट आपको क्या करना है वो आगे दिखाऊंगी, रिजल्ट भी दिखाऊंगी, प्रॉपर तरीका बताऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ 8 से 10 मिनट के बाद। तो देखिए 8 मिनट कम से कम मैंने इसको लगाकर रखा है। अब मैं अपने फेस को क्या करूंगी, अपने फेस को धोकर आऊंगी नॉर्मल पानी से। जी हाँ, आपको भी अपने फेस को नॉर्मल प्लेन पानी से धोना है। बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि गर्म पानी से धोना है, बिल्कुल भी नहीं, जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो चलिए मैं अपने फेस को धोकर आती हूँ, रिजल्ट आपको दिखा दूँ। फिलहाल मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपने जो है फेस धोने के बाद कुछ लगाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देख लें आप, स्किन देख सकते हैं बिल्कुल रेमेडी की तरह, जो हमारा रंग निखर कर आया है बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल हमारी स्किन जो है चमक रही है, बिल्कुल वाइट वाइट जो हमारा फेस दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको इस रेमेडी को लगाना है। चलिए मैं प्रॉपर रिजल्ट आपको दिखाती हूँ फेस को धोने के बाद। तो देखिए मैं अपने फेस को धोकर आ गई हूँ, और स्किन देख सकते हो आप बहुत अच्छे से, स्किन में चमक आई है, निखार आया है। जितनी भी गतकी थी, टाइमिंग थी, वो एक ही बार में काफ़ी अच्छे से ठीक हो गई है। तो इस तरीके से आपको फेस को धो लेना है और साफ कर लेना है, और अपने फेस को साफ कर लेना है। और ग्लो भी आप नेचुरल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हमारे फेस पर ग्लो भी आया है। ये देखिए, मैंने अभी आप ही के सामने अपने फेस को साफ किया है, अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है गाइस, कुछ भी। और अभी जो है आप मेरी स्किन को देख सकते हैं, और अभी थोड़ी देर बाद मैं और अच्छे से स्किन ग्लो करने वाली है। तो इस तरीके से आप भी इस फेशियल को कर सकते हैं। कहीं भी शादी पार्टी में जा रहे हैं तो उससे तो मेकअप से आधा से एक घंटा पहले आप इस फेशियल को कर सकते हैं। नेचुरल ग्लो भी मिलने वाला है और स्किन आपकी चमकने वाली है, ना ही आपका मेकअप काला पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है इस फेशियल को करेंगे, और कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर से बोलूँगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही यूजफुल प्यारी प्यारी वीडियो के साथ।